जो सो लोग सोच रहे हो कि मैंने कैटेगरी का कोई बात नहीं बोलूंगा, मैं कैटेगरी का बात भी बोलूंगा कि कैटेगरी का के स्टूडेंट्स के लिए भी कितना चाहिए और एज वेल एज आउटसाइड स्टेट्स आउटसाइड वेस्ट बंगाल के लिए भी कितना चाहिए, सब कुछ मैं बोलूंगा। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। तो चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले प्लीज आपसे एक ही रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों तक अभी एक बार शेयर कर देना भाई लोग, प्लीज शेयर कर दो। वीडियो आगे बढ़ने से पहले बच्चों, अगर आप लोग WBE 2024 के लिए सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हो तो देखिए एक अच्छा मार्गदर्शक एंड गाइड आप लोगों को चाहिए जो इस बात पे आप लोगों को हेल्प कर पाए। देखिए अभी 4 महीने आपके पास आसपास बाकी बचा हुआ है, इस 4 महीने में अगर आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो आराम से आप लोग क्रैक कर पाओगे इस एग्जाम को। देखिए ये बिलीव लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगस्त एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों को क्रैक करवाती है। लास्ट ईयर 750 स्टूडेंट्स हमारे रैंक लेके आए थे, आप भी इस बार लेके आ सकते हो हमारे क्रैश कोर्स के साथ। देखिए ये कोई कोर्स है जो हम लोग बेच रहे हैं, ये ऑफर है जो आप सब लोगों के पास हम लोग लेके आ रहे हैं, एक चांस है आप सब लोगों के पास इस ब्रांड के साथ जुड़ने का। देखिए ओनली ₹299 आज का कोर्स का प्राइस। कोर्स में क्या आपको मिलेगा, देखिए अगर आप लोग देखोगे तो इसमें आपको मिलेगा मिनिमम 50 मॉक टेस्ट एलोंग विद आप सब लोगों को मिल जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा आप लोगों को, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर रिकॉर्डेड क्लासेस। और ये जो मैं आपको ऑफर कर रहा हूं ये सब कुछ नॉट ओनली WBJEE इस साल के लिए, पूरा लाइफ टाइम के लिए आप लोगों के साथ एक्सेस रहेगा, आप सब लोग यूज कर सकते हो इसको। तो ये ऑफर आपको कोई भी चैनल कोई भी इंस्टीट्यूशन कहीं पे भी इस पूरे इंडिया में कोई नहीं दे सकता। दिस इज चीपेस्ट कोर्स एंड द बेस्ट कोर्स अमंग ऑल ओवर इंडिया जो हम लोग आपको इतने कम में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बच्चों अगर आप लोग डिवाइड कर दो देखोगे कि ₹1-2 में आपको क्लासेस करने को मिल रहा है और ₹1-2 में आपको एक टेस्ट देने को मिल रहा है जो अपॉर्चुनिटी आपको कोई भी नहीं दे सकता। तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू, दिस नॉट अ बिजनेस प्लेटफॉर्म, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स लाइक यू। तो आप सब लोग इसको एक्सेस करो, जो करना है आपको, ज्यादा डिस्कशन करने का नहीं जरूरत नहीं है, बट व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप नंबर है, जाके हम लोग अभी व्हाट्सएप करो, ज्वाइन कर जाओ इस कोर्स को और अपने आपको WBJEE जादवपुर के लिए रेडी करो अभी। हाँ, बेसिकली जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो कट ऑफ है ये बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड काउंसिल एकदम लास्ट टाउन तक जो कट ऑफ होते हैं उसको लेके मैंने बनाया है, ठीक है। अगर आप लोग फर्स्ट सेकंड राउंड कट ऑफ देखोगे तो बहुत टफ होता है, इतना कट ऑफ खुलता नहीं है, ठीक है। वो डिसेंट्रलाइज्ड तक जाने के बाद जब सब कॉलेजेस का जेईई मेन के भर्ती होते हैं उसके बाद ही इतना कट ऑफ खुलता है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज एक बार चेकआउट कर लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो अपने पास, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है आप सब लोगों के लिए। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से, आप लोग देख सकते हैं 22 में 257, 227 इन 2021, 2022 में 216 यहाँ पे गया है। उसके बाद ईसी का आप लोग देख सकते हैं, दिस फॉर ईसी इलेक्ट्रिकल टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। नेक्स्ट में आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप लोग देख सकते हो कट ऑफ। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इस साल बहुत कट ऑफ बढ़ गया था, ठीक है, देख सकते हो लास्ट 2 साल में 500 के घर के आसपास 500-600 तक हम लोग एक्सपेक्ट करते थे। सॉरी इलेक्ट्रिकल का बोल रहा था, हाँ इलेक्ट्रिकल का बेसिकली हम लोग 600 के आसपास एक्सपेक्ट करते थे, ठीक है, 960 गया था 20 में, बट 2022 में बेसिकली 1109, कितना फ्लक्चुएशन आया आप देख सकते हो इस ब्रांच पे, बहुत ही ज्यादा इंक्रीज आया था। इंस्ट्रूमेंटेशन भी आप लोग देखो 1215 बहुत अच्छा एक रैंक कट ऑफ लास्ट गया था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे 1689 आपके लिए लास्ट गया था। सिविल पे आप लोग सिविल इंजीनियरिंग पे 3935 गया था लास्ट इस साल के लिए, दूसरे साल को देख लो 3174 3349। तो अगर आपका रैंक 3000 ऊपर भी बेसिकली बच्चों जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हो जेईई मेंस 2024 के लिए उनके लिए अभी इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है। देखिए आप लोग अगर प्रिपेयर करना चाहते हो बेस्ट टू बेस्ट तो आपको लिए हेल्प करेगा फिजिक्स वाला, इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बैचेस है आप सब लोगों के लिए। उसमें से है प्रयास बैच, प्रयास ड्रॉपर्स बैच के लिए, ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट बैच जाएगा, बेसिस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। उसके साथ साथ जानते हो आप लक्ष्य जेईई बैच, लक्ष्य जेईई फर्स्ट ट्रैक बैच, ये क्लास 12th के बच्चों के लिए है। बेसिकली इसका क्लासेस भी स्टार्ट एलोंग विद आपको मिल जाएगा अर्जुना बैच, अर्जुना फर्स्ट ट्रैक बैच का क्लासेस भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसके साथ साथ आपको मिल जाएगा जेईई अल्टीमेट क्रैश कोर्स, जेईई अल्टीमेट क्रैश कोर्स जो है 30th October से इसका क्लासेस स्टार्ट, और 30th October से इसका क्लासेस जो है स्टार्ट हो जाएगा। ये सब बैचेस पे आपको बेसिकली क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे आपको इंडिया का बेस्ट एडुकेटर जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपको पढ़ाएगा, एलोंग विद आप लोगों का टाइम टू टाइम सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। एलोंग विद आपको मिल जाएगा जो है डीपीपीस का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, एलोंग विद आपको मिल जाएगा शेड्यूल टेस्ट जो आपको PDW के ऐप पे मिल जाएगा। क्लासेस हफ्ते में 6 दिन चलेगा और रेगुलर 3 क्लासेस आपको देखने को मिल जाएगा। स्पेशली जो जेईई अल्टीमेट क्रैश कोर्स है इसके अंदर आपको मिल जाएगा कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स MIC, MIA एंड MIP, ये 3 टेक्निक के द्वारा आप लोगों को 17th January के अंदर आपका सिलेबस खत्म किया जाएगा। ये टारगेट लेती है बच्चों को कैसे आपको जेईई एडवांस तक आपका क्रैक करवाया दिया जाए, ठीक है।
इसके अलावा भी मिल जाएगा पॉकेट कोर्सेस। अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आप समझ नहीं पा रहे हो तो उसको पढ़ भी सकते हो अलोंग विद, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाएगा, उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। ओनली 49 rupees पे ये पॉकेट कोर्स अवेलेबल है फिजिक्स वाले के ऐप पे, अलोंग विद हर बैचेस का मॉड्यूल्स भी अलग से प्रेजेंट है, बुक्स भी प्रेजेंट है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो उसका भी अब लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तो बच्चों व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अगर जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर ऑल ऑफ यू प्रिपरेशन करने के लिए। देखिए डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कीजिए। आप लोग यूज कर सकते हो हमारे कूपन कोड AK150, आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा आपके कोर्स प्राइस के ऊपर। आपको में सिविल आपको मिल जाएगा, ठीक है, अगर आप ठीक से पढ़ाई करते हो तो। कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एक लोअर लेवल का बोल सकते हो कि उतना प्रायोरिटी स्टूडेंट्स नहीं रहते, इसलिए 5000 के आसपास जाते हैं। ऑलमोस्ट 5500 इस साल गया था, बट 5000 के आसपास चला जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत सारे ब्रांच मैंने इंक्लूड नहीं किया, बाकी जो ब्रांचेस है इसको लेके हम लोग पार्ट टू बनाएंगे, ठीक है। दिस इज पार्ट वन, डिटेल वीडियो फॉर पार्ट वन, पार्ट टू भी इसके ऊपर आएगा। आप जो आउटसाइड स्टेट के कैंडिडेट हो, आउटसाइड वेस्ट बंगाल, उनके लिए मैं बोलूंगा इफ यू वांट दैट यू जस्ट टारगेट फॉर 1500, ओके 1500 के अंदर अगर आप रहोगे तो आपको 1500 के अंदर कोई ना कोई ब्रांच आदो यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा। हाँ नॉर्मल राउंड पे नहीं मिलेगा, डिसेंट लेवल तक आपको वेट करना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अगर आप डिसेंट लेवल पार्टिसिपेट करोगे तो 1500 रैंक तक ऑलमोस्ट देखा गया कि कोई ना कोई ब्रांच आउटसाइड स्टेट के बच्चों को मिल जाता है। तो यू शुड टारगेट फॉर 1200 और 1000, ओके इफ यू वांट जादवपुर यूनिवर्सिटी, ओके। एंड अगर आप लोग ओबीसी ए से बिलोंग करते हो, ओबीसी ए का बच्चे हो, तो ओबीसी ए के लिए मैं बोलूंगा दैट विल बी योर 20K के आसपास, 20K के आसपास, 20,000 के आसपास अगर आपका रैंक है तो आपको डिसेंट्रलाइज का कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगा इन जादवपुर यूनिवर्सिटी ओबीसी ए के लिए। ओबीसी बी के लिए अगर आप ओबीसी बी के बच्चे हो तो आप लोग लगभग देख लो 8,000 तक जादवपुर यूनिवर्सिटी, 8,000 तक जादवपुर यूनिवर्सिटी आपको ऑलमोस्ट कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगा। फॉर ओबीसी बी एससी के लिए, फॉर एससी कैंडिडेट, इफ योर एससी कैंडिडेट 23,000 तक ऑलमोस्ट कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगा, 23,000 तक फॉर इफ योर एससी कैंडिडेट। एंड इफ यूर एस टी कैंडिडेट तो मुझे लगता है कि आप बैंक में से आपको मिल जाएगा, बिकॉज देखा गया कि 50,000-60,000 ऑलमोस्ट आप लोग मान के चल सकते हो कि 62,000 रैंक तक आप लोगों को मिल जाता है। तो वैलिड रैंक ही कुछ 70,000 के आसपास वैलिड रैंक आता है, तो उसमें 62,000 रैंक तक एस टी का है। तो एस टी लोग अगर ठीक ठाक बैठोगे, दो चार नंबर कर भी दोगे तो जादवपुर मिल जाएगा। बट एस सी के लिए 23,000, ओबीसी बी के 8,000 लास्ट रैंक ऑलमोस्ट आप लोग, उसके बाद ओबीसी ए का 20,000 के आसपास लास्ट रैंक जाता है। आउटसाइड स्टेट के कैंडिडेट 1,500 के आसपास आप लोग लास्ट रैंक मान सकते हो। तो ये सब रैंक के अंदर आप लोग रहोगे तो जादवपुर यूनिवर्सिटी का कोई ना कोई ब्रांच आपको अलॉटमेंट हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल एंड वील डिस्कस नेक्स्ट वीडियो और सेपरेट वीडियो पार्ट टू ऑन दिस टॉपिक, ओके। अदर जो ब्रांचेस है उसको लेकर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो प्लीज तब तक सब्सक्राइब करके रखिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, इस इंपॉर्टेंट वीडियो को अपने सारे दोस्तों तक। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू टू ऑल।